विधानसभा चुनावों की राजनीति में इंडिया गठबंधन 2.0 की आहट सुनाई दे रही है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव होने ही वाले हैं, तो वहां गठबंधन की थोड़ी स्पष्ट थोड़ी धुंधली सूरत दिख रही है। लेकिन जिन राज्यों में साल के अंत तक या उसके कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां भी इंडिया गठबंधन लगातार नया विस्तार ले रहा है। एक तरफ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ नए लोगों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ सदस्यता अभियान चला रही है, दूसरी तरफ कई राज्यों में एक एक करके इंडिया 2.0 की कड़ियां जुड़ रही हैं। बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही। मन नहीं मिले या अगर विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। कांग्रेस यहां खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है, पर इंडिया गठबंधन का एक और नजरिया हो सकता है। मजबूरी नहीं है, जरूरत है, हमने सबको लेकर चलना है। अखिलेश जी भी कहते हैं हमारे, सीट शेयरिंग कोई विषय नहीं। देश के लोकसभा चुनावों के बाद राज्य के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन का दूसरा संस्करण लॉन्च हो चुका है। तेवर और तकरार बखूबी ये ऐलान कर रहे हैं। जो ऑपोजिशन चाहता है वो इनकी सरकार करती है, दमनी राइन में उनका मूल मकसद है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। संसद में बढ़ी सीटें और नेता विपक्ष की कुर्सी मिलने से कांग्रेस को सियासत की वो संजीवनी बूटी मिली है कि वो गठबंधन के धागे लिए राज्य दर राज्य साथियों के समर्थन को पिरोने में जुटी है। राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीय नेता भी विपक्षी एकजुटता को नए आकार दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में साथ साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। आज मैं सिर्फ एक बात करूंगा, म्यून दस्तार, म्यून यजक। हरियाणा में साथ की आस है। दोनों दलों का यह प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती। कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा के लोगों के साथ है। महाराष्ट्र में अटूट विश्वास है। झारखंड में गठबंधन खास है। बात राज्यों के चुनाव चरित्र की है, लेकिन धर्म गठबंधन का निभाया जा रहा है। जहां बात चेहरे की है, वहां सहमति के सुर बनते दिख रहे हैं। विचार करे से कहीं कर देंगे, अनेक की नेतृत्व कमी करायचं ही निवडणूक झाल्याच्या नंतर संख्या असल्याच्या नंतर निर्णय घ्यायचा असतो। जहां नेता का सवाल है, वहां नेतृत्व पर भरोसा जताया जा रहा है। क्या अलायंस में जो राहुल गांधी का विजिट यहां होना, किस तरह? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हमारे वतन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आवाज है कि जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये हैं, उनके लिए एक थप्पड़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग ये समझेंगे। क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस बार बार गठबंधन की ताकत याद दिला रही है।
विपक्ष की एकजुटता का एहसास दिला रही है। कोशिश यही है कि जिस इंडिया गठबंधन की एकजुट शक्ति ने बीजेपी को लोकसभा चुनावों में बहुमत से पीछे रोक दिया, गठबंधन का वही दम विधानसभा चुनावों में भी बना रहे। जो ऑपोजिशन चाहता है वो इनकी सरकार करती है, दम नहीं रहा इनमें। आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती फुला के आते थे, देखा था आपने, 56 इंच गायब हो गई ना 56 इंच की छाती। इंडिया गठबंधन ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस उड़ा दी। इंडिया गठबंधन पार्ट टू में गठबंधनों की गांठें अभी दो राज्यों के घोषित विधानसभा चुनाव और आने वाले दिनों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस गठबंधनों की गांठें बांधने की कोशिश में है, ताकि आने वाले दिनों के विधानसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर दी जा सके। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में है, लेकिन उसके सामने इंडिया गठबंधन के दो मुख्य घटक दल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हरियाणा में बीजेपी के सामने कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन की कोशिश है, यहां भी कांग्रेस ने पहल की है। इसके अलावा कुछ महीनों बाद महाराष्ट्र में चुनाव होना है, वहां एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार की चुनौती है। झारखंड में भी इसी साल चुनाव होना है, वहां भी इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई है और कांग्रेस मेन रोल में है। देखो, इन लोगों का दिक्कत यह है कि दिल्ली में झगड़ा, हरियाणा में झप्पी। अभी झगड़े झप्पी की दोस्ती जो है वो कितने दिन चलेगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते। अब आम आदमी पार्टी कौन है जिसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया? हरियाणा कभी भी उनको नहीं बिठाएगा। और कांग्रेस वही है जिसने फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर के कश्मीर में 370 फिर से लगाएंगे। कांग्रेस को राहुल गांधी जी ने समाप्त कर दिया। अब इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी बीजेपी इनको हम सरकार से हटा देंगे। गणित में एक और एक दो होते हैं, लेकिन राजनीति में एक और एक का मतलब 11 भी होता है। चुनावी राज्यों में एनडीए वर्सेस गठबंधन इंडिया पार्ट टू का स्टेज सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस इस समय ऐसा लग रहा है कि हर दल के साथ दिल मिलाने को तैयार है। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी इस समय इस तरह के कदम उठा रही है? क्योंकि 2014 और 2019 की एक के बाद एक हार के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली, तभी से पार्टी के भीतर कुछ ऐसा संचार हुआ है कि उसे लगता है कि अभी समय है कि वो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे दे। लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन हुआ तो एक दशक बाद चेहरों पर ये रौनकें लौटी, आत्मविश्वास भी ऐसा लौटा, लहजे और लफ्जों से झलके। जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तो सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, तीन राज्यों में सरकार
और संसद में 99 की संख्या है, लेकिन कांग्रेस के बयानों की तेज आंच एनडीए के तीसरे कार्यकाल तक है। राहुल गांधी, क्या इसके पीछे गठबंधन की ताकत है और क्या इसीलिए कांग्रेस विधानसभा चुनावों में गठबंधन पर जोर दे रही है? विधानसभा चुनाव किसी एक जो पार्टी है उसकी ताकत पर लड़े जाते हैं। जम्मू कश्मीर अलग मसला है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पास भी बहुत गुंजाइश नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी, तो दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे, वहां आपको स्वरूप दिखेगा कि एक गठजोड़ है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करेंगे तो वहां बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां कांग्रेस अपनी ताकत पर है, वो क्यों दूसरों को अपनी जगह देगी। और उसे दिल्ली का भी चुनाव बहुत साफ साफ दिख रहा है। झारखंड में जब जाएंगे तो झारखंड में वहां कांग्रेस माइनर पार्टनर है, तो जहां कांग्रेस कमजोर है वहां गठजोड़ बनेगा, वहां एक गठजोड़ का स्वरूप आपको दिखेगा, जो लोकसभा में समय जिसको इन्होंने इंडिया का नाम दिया था। जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कोई और स्वरूप नहीं बनेगा। लोकसभा चुनावों की आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की गठबंधन नीति और स्पष्ट होती है। हरियाणा में बीजेपी को 12% वोट और 5 सीट का नुकसान हुआ, कांग्रेस को 15% वोट और 5 सीट का फायदा हुआ। झारखंड में बीजेपी को 7% वोट और 3 सीट का नुकसान हुआ, कांग्रेस को 3% वोट और 1 सीट का फायदा हुआ। महाराष्ट्र में बीजेपी को 2% वोट और 14 सीट का नुकसान हुआ, कांग्रेस को 1% वोट बढ़ा लेकिन 12 सीटों का फायदा हुआ। झारखंड महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ा था और कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ। अब विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस गठबंधन करके इसी नीति पर आगे बढ़ना चाहती है कि न वोट बटे न सीटें घटे। गठबंधन हो रहा है, मैं चाहता हूं कि जो भी गठबंधन हो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को, सिपाहियों को और हमारे कमांडर्स को रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले। लेकिन कहते हैं ये अलायंस एनसी की मजबूरी है। एक मजबूरी नहीं है, जरूरत है, हमने सबको लेकर चलना है। कांग्रेस के प्रांतीय यूनिट ने, हम सब ने, जिससे राय ली गई, मुझसे भी राय ली गई, हमने बता दिया कि कांग्रेस यहां खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है, पर इंडिया गठबंधन का एक और नजरिया हो सकता है, वो नजरिया प्रांत से बड़ा है, तो इसलिए उस नजरिए में वो क्या निर्णय लेंगे, अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है, अभी पेंडिंग है, तो वो निर्णय ले सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है। कांग्रेस हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की अति इच्छुक है तो उसके पीछे भी दूर की राजनीति दिखती है। कुछ महीनों बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो दिल्ली चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा, साथ ही इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश भी जाएगा, जिसका प्रभाव अगले साल बिहार चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एकजुटता के रास्ते पर आगे चलते हुए एनडीए से टकराने की लंबी रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए राज्य दर राज्य क्षेत्रीय पार्टियों के सामने कांग्रेस का हाथ बढ़ रहा है।